नमस्कार दोस्तों, टीएचके टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैनरा बैंक के एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए स्लिप भरी जाती है, तो उसे हम आपको भर के दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपनी ब्रांच डाल देनी होगी। जो भी आपकी ब्रांच है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों, डेट, जिस दिन आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो तारीख यहाँ पे आ जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें कुछ नहीं भरना है। अब आ जाते हैं नामे यानी डेबिट, यानी जिस खाते से आपको पैसे भेजने हैं वो यहाँ पे अपना 13 अंक का खाता संख्या डाल देंगे। खाते में जो भी आपका नाम है वो यहां पे डाल देंगे। अब कितनी अमाउंट आपको ट्रांसफर करनी है वो राशि यहां पे आ जाएगी दोस्तों, यहां पे टोटल कर देंगे। ये तो हो गया डेबिट वाला पार्ट। अब जिस खाते में आपको पैसे भेजने हैं यानी जो क्रेडिट होगा खाता, वो यहां पे खाता संख्या डाल देंगे। जिस व्यक्ति को आप पैसे भेज रहे हो उसका खाते में नाम क्या है वो यहां पे आ जाएगा। सेम 10,000 रुपये यहां पे आ जाएंगे, टोटल कर देंगे दोस्तों। यहां पे शब्दों में भी डाल देंगे। अब दोस्तों, ये पार्ट हमारा भर गया। अब यहां पे क्या है, नरेशन में कुछ भी आप डाल सकते हैं। फंड ट्रांसफर, इतना करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसके बैक साइड में आपके जो भी खाते में साइन है वो यहां पे कर देंगे, यानी दो बार ये साइन आप कर दीजिए। ध्यान रहे, साइन आपको वही करने जो आपके खाते में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो दोस्तों, इस स्लिप को आप अपनी ब्रांच में दे दीजिएगा, वो इस स्लिप के माध्यम से आपके खाते, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेज देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।